है आजमगढ़ मुबारकपुर से। मुबारकपुर कस्बा मुबारकपुर से कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए एसडीएम सदर गौरव कुमार व तहसीलदार अनिल कुमार पाठक तथा थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र, चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर श्री यादव और नगर पालिका अधिशासी राजपति वैश के नेतृत्व में पूरे कस्बे में भ्रमण किया गया, जिसमें सदर एसडीएम ने भ्रमण करते हुए संघ चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान डॉक्टर अबुजर डेंटल क्लिनिक को सील किया गया, वहीं पर आशा पैथोलॉजी को सील किया गया। और बता दें आपको कि मेडिकल स्टोर और अन्य चेकिंग चलाकर उन्होंने 14,200 रुपये का सम्मान शुल्क वसूला गया बिना मास्क। और बाजार में अनावश्यक घूमने वाले बिना मास्क को पकड़कर और दुकानदारों पर भीड़ लगाकर जो भीड़ एकत्रित कर इकट्ठा देखिए कोविड को लेकर जो है मास्क के प्रति जागरूकता का अभियान था। प्राय देखने में आ रहा है कि या तो लोग मास्क लगा नहीं रहे हैं या फिर अगर जो लोग लगा रहे हैं तो वो सही तरीके से नहीं लगा रहे हैं, पूरा प्रॉपर नाक और मुंह ढका हुआ नहीं है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा हुआ है। इसके चलते पुलिस और मेडिकल विभाग और राजस्व की संयुक्त टीम बनाकर अभियान चलाया गया है जो कि लगातार चलेगा कुछ आने वाले हफ्ते तक, जब तक कि 100% हमारे रिजल्ट नहीं हो जाता है। और आज जो है लगभग 61 लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 14,000 से 14,500 का चालान किया गया है। तो मुख्य उद्देश्य चालान करना नहीं है, मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता फैले कि कितना ज़रूरी है मास्क पहनना, ना केवल अपने लिए बल्कि सामने वाले आप जिन भी लोगों से मिल रहे हैं, आप में अगर संक्रमण है तो आप उन लोगों को बीमार कर सकते हैं। तो इसके बचाव के लिए ये अभियान चलाया गया। इसके अतिरिक्त जितने प्रतिष्ठान हैं, दुकानों पर या फिर क्लिनिक्स हों, नर्सिंग होम हों, एक्सरे सेंटर हों, वहाँ पर भी जुर्माने की कार्रवाई की गई है। और एक एक्सरे और पैथोलॉजी सेंटर और एक क्लिनिक जो है डेंटल क्लिनिक सील कर दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके द्वारा कोई भी पृथक से रजिस्टर नहीं बनाया गया है जिसमें जिन लोगों को खांसी जुकाम है, यानी कि जो सिम्टोमेटिक लोग हैं, उनका कोई सूची तैयार नहीं की जा रही है। पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, जो कि बहुत आवश्यक चीज़ें हैं किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर होनी चाहिए उनके स्कैनिंग के लिए, वो नहीं रखी जा रही हैं, जो कि बार बार जो शासन से भी निर्देश आ रहे हैं उनका भी उल्लंघन है। तो उसके चलते हुए उन्हें सील कर दिया गया है और उसमें अग्रिम कार्रवाई तक, अग्रिम आदेशों तक वो सील रहेंगे, कोई भी ओपीडी वहाँ पर ऑपरेट नहीं होगी। इसके अतिरिक्त एक जो है फार्मास्यूटिकल दुकान थी, उसको भी सील कर दिया गया है, क्योंकि जो दुकान पर बैठे हैं यदि वो स्वयं ही मास्क नहीं लगाएंगे तो जो लोग कस्टमर उनके पास आ रहे हैं उनको कैसे प्रेरित करेंगे कि मास्क लगाया जाए। तो इसके लिए अभियान था जो कि लगातार चलेगा, आजमगढ़ सिटी में भी चल रहा है, मुबारकपुर क्षेत्र में चल रहा है, जल्दी हम इसको ग्रामीण